सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, जब हमारा HIC प्लान बनता है उस समय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है। ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्रोजेक्ट में जितने सारे स्टाफ होते हैं उन सारे स्टाफ का क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, PM PD से लेकर नीचे का जो वर्कर्स होता है उनका तक इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में ये लोग किस तरह अपना रोल्स निभाएंगे, अदा करेंगे, उसके बारे में हर कंपनी का थोड़ा बहुत वैरी करता है, लेकिन हमारा मोटो, हमारा मकसद एक ही होता है। तो क्या होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब इमरजेंसी हो जाता है, इनकेस कुछ इमरजेंसी हुआ, कुछ हादसा हो गया, तो उस समय जो PM होते हैं, जो उस प्रोजेक्ट के हेड, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो उनके नीचे होते हैं मैनेजर्स, DPM वगैरह, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मैनेजर्स के नीचे होते हैं असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, वर्कर्स, सब कंट्रैक्टर के सुपरवाइज़र्स, सब कंट्रैक्टर के वर्कर्स, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्राइवर, उनका सब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एम्बुलेंस ड्राइवर, फर्स्ट एडर, सेफ्टी ऑफिसर, क्या है। तो जब इमरजेंसी कुछ होता है तो उस समय जो रोल्स अदा करना है, जिसका जो नियम है, जो बनाया गया है, उसके हिसाब से हमें फॉलो करना होता है। जैसा कि सबसे हेड होते हैं हमारे PM, उन्हें क्या है, वो सिर्फ अप्रूवल देते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, अप्रूवल मिल गया। जो साइट लेवल पे होते हैं, ग्राउंड ज़ीरो में जो लोग काम करते हैं, उन्हें जो है साइट में खड़ा होकर काम करवाना होता है। जो मिड लेवल में होते हैं मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, PM, DPM वगैरह, उनका थोड़ा मिड लेवल है तो वो दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, टॉप मैनेजमेंट को और ग्राउंड ज़ीरो लेवल जो इंजीनियर्स होते हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करते हैं। जो जैसा कि फर्स्ट एडर हो गया, मेल नर्स, या फिर जो क्या बोलते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर, इनका क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कौन किसका अंडर में आता है, किसका क्या रोल है, कौन किसे रिपोर्टिंग करता है, ये जितने सारे होते हैं ये जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि अगर कोई इंजीनियर है, सिर्फ इंजीनियर, वो क्या करता है, सीनियर इंजीनियर को रिपोर्ट करना है, और कायदे से देखा जाए तो सीनियर इंजीनियर जो है उसके सुपीरियर होते हैं, उन्हें वो सार बोलना चाहिए और वो जो बोलते हैं उनका बात मानना चाहिए, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। जो सीनियर इंजीनियर होते हैं वो DPM PM के इंस्ट्रक्शन, असिस्टेंट मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उनका जो जो भी बातें होती है वो लोग पालन करते हैं। तो ये क्या है, सीक्वेंस वाइज होता है, ये उनका बात सुनना है, वो उनका बात सुनना है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना भी ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि ये बता सके कौन किसके अंडर में है और किसका क्या रोल है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का क्या रोल बनता है, स्टोर डिपार्टमेंट का क्या रोल बनता है, HSC डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट का क्या रोल बनती है, हाँ, जो PM होते हैं उनका क्या रोल बनता है। तो ये सारे के सारे जो है बनना ज़रूरी होता है, और हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इन केस कुछ इमरजेंसी होता है हम किसे कॉन्टैक्ट करें, हम किसे इन्फॉर्म पहले करें, हमें अप्रूवल कौन देता है, किसका इंस्ट्रक्शन हमें लेना है। अगर आप किसी मिड लेवल में है, मिडिल लेवल में हो, DPM लेवल, या फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल, तो आप किसे रिपोर्ट करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, आप किसका इंस्ट्रक्शन पालन करना चाहिए, ये सारा आपको पता होना चाहिए। एक सेफ्टी डिपार्टमेंट होने के नाते हमें ये सब पता होना चाहिए कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो है रोल्स, हमारे जो CSM है वो किन्हें रिपोर्ट करते हैं, हम
किसको रिपोर्ट करते हैं, हमें समझाना, हमें समझना है और वर्कर्स को समझाना है। जैसा कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी कंपनी है, उसका भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसा कि स्टाफ को व्हीकल का प्रोविजन कराना, स्टाफ को कुछ अप्रिसिएशन वगैरह देना, स्टाफ के लिए कुछ अच्छा सोचना, और जितने सारे मतलब क्या बोलते हैं, जैसा कि पीएफ तो चलो ठीक है, मैंडेटरी है, बाकी जो भी मोटिवेशन प्रोग्राम वगैरह होता है, तो ये सब वो जो है एम्प्लॉयर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, हम आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ में, तो हमारे नीचे जो है वर्कर्स है वो भी एम्प्लॉयज़ में आते हैं, तो ये सारा का सारा जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बना रहता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए हम किसे रिपोर्ट करते हैं, इमरजेंसी में हम कहाँ जाएँ, किसे कॉन्टैक्ट करें, हाँ, ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पता होना चाहिए। एक फर्स्ट एडर को पता होना चाहिए इमरजेंसी में हमारा रोल्स क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। एक जो मेल नर्स फर्स्ट एडर होता है उसे ये सब पता होना चाहिए। जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर होता है उसे पता होना चाहिए इमरजेंसी में हम किसे रिपोर्ट करें, क्या करें, कहाँ से गाड़ी निकालें, किस रास्ते से जाएँ हमारा हम, तो ये जो है सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय सुरक्षा दोस्तों।